तो फ्रेंड्स एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी गेट का एक और परिणाम जारी कर दिया गया है। और इस बार ये जो परिणाम जारी हुआ है वो होम साइंस फीमेल जो शाखा है यानी कि महिला शाखा के अंतर्गत ये जो परिणाम है जारी किया गया है। आपको पता होगा कि इसमें कुल पदों की संख्या थी 269 और अच्छी बात ये रही कि इस बार कोई भी सीट रिक्त नहीं हुई है और कुल 269 के 269 पद भर गए हैं। कुल मिला के जो महिला अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुई थी तो उनकी संख्या 20,851 थी। और फाइनली ये जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इसे देख सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको ये रिजल्ट नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड इसके बाद दो जरूरी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि अभी जब तक जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक जो आपका चयन है ये औपबंधिक होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो इसके लिए जो है अभी आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने आवेदन करते समय जो चीज़ें आपने बताई हैं अपनी योग्यता के बारे में, अपने कैटेगरी के बारे में जो भी चीज़ें आपने बताई थी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए, ठीक है। और इसके बारे में आपको एक अलग जो है नोटिस के द्वारा UPPSC जो होगा वो सूचित भी करेगा, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स एक बात और भी है कि कट ऑफ कितनी गई, तो कट ऑफ के बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर पैरा 5 में लिखा गया है कि प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार पदवार कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित कर दिए जाएंगे और RTI अगर आप डालेंगे तो इसके बारे में कोई भी विचार नहीं होगा, यानी कि आयोग स्वतंत्र है कि वो कब इसे डिस्प्ले करता है। तो फ्रेंड्स जितने भी लोग चयनित हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द बाकी के परिणाम भी अब जारी हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।